नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज चक्र में। मैं अभिसार शर्मा। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए अपने 5 दोस्तों के साथ साझा कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आप और हम मिलकर झूठ का पर्दाफाश कर सकें। और आज मैं बात करने जा रहा हूं नीतीश और तेजस्वी यादव की, क्योंकि बिहार चुनाव का अभियान चरम पर है और नीतीश कुमार लगातार बौखला रहे हैं। इस कदर बौखला रहे हैं कि अब उन्होंने तमाम मर्यादाओं को पार कर दिया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चों और राबड़ी देवी तक पर भी टिप्पणी कर दी है। सबसे पहले मैं आप चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने क्या कहा वो सुनिए और फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। सुनिए। किसी को चिंता है? 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। तो बगैर नाम लिए वो ताना दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि लालू जी के 9 बच्चे हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं नीतीश जी, कि अगर आपको लालू जी के 9 बच्चों पर अब जाकर आपत्ति है, तो 2015 में आपने उनसे समर्थन क्यों लिया था और समर्थन लेके मुख्यमंत्री क्यों बन गए? और यही नहीं, 1985 से लेकर अब तक करीब 35 साल हो गए हैं। मेरे ख्याल से 1985 को पहली बार आप एमएलए बने थे। उस वक्त से लेकर अब तक क्या आपने आज तक कभी भी लालू जी के इस पहलू पर टिप्पणी की है? यकीनन, देखिए, मेरा यह मानना है कि हमारे जो राजनेता हैं, खासकर जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हें कुछ चीजों का पालन करना है। मसलन हम दो हमारे दो का जो नारा सरकार देती है, जाहिर सी बात है हमारे राजनेताओं को उसको पालन करना चाहिए। मगर अब किसी के 9 बच्चे हैं तो अब आप उस पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमला करके भूल जाइए, लालू जी पर हमला नहीं कर रहे हैं या उनके बच्चों पर हमला नहीं कर रहे हैं, आप राबड़ी देवी पे हमला कर रहे हैं। और अब तक आपको इस पर आपत्ति नहीं थी, 2015 पर आपको इसको आपत्ति नहीं थी, अब जाकर आप इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। और नीतीश जी की बौखलाहट देखा जाए तो अपनी हर रैली में दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी रैलीज में लोग उनके मुर्दाबाद तक के नारे लगा रहे हैं। और यह मत सोचिए कि वो आरजेडी समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी उनसे खुश नहीं हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और रैली जहां आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बौखलाहट देखेंगे। जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसका सुनने जाओ। अरे जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। यह हमको मालूम है कुछ लोगों को न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़े। देखा आपने। और मुझे दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, मेरा यह मानना है कि नीतीश कुमार ने कभी भी किसी पर निजी हमले नहीं किए। उन्होंने कभी भी कुछ मर्यादाओं को पार नहीं किया, कुछ लक्ष्मण रेखाओं को पार नहीं किया। मगर इस बार जो बौखलाहट है वो अप्रत्याशित है। मैंने कभी भी नीतीश जी को इतना नर्वस नहीं देखा, इतना बौखलाया हुआ नहीं देखा। और दूसरी तरफ इस चुनाव अभियान में तेजस्वी यादव जोशीले दिखाई दे रहे हैं। वो ये लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एक बात हमें पता होना चाहिए कि महागठबंधन में उनके अलावा कोई और चेहरा नहीं है। राहुल गांधी को जितना सक्रिय होना चाहिए उतने सक्रिय नहीं, हालांकि वो 2 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली शुरू की थी उससे पहले ही राहुल गांधी को सक्रिय हो जाना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनकी नीतियों को चुनौती दे रहे हैं। मोदी जी को बहाना बनाया निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। और नीतीश कुमार जी को तो हमने पहले कहा है कि हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ भी कहेंगे, गाली भी देंगे तो हमारे लिए आशीर्वचन के बराबर है, आशीर्वाद के बराबर है। और इस तरह की बात अगर वो कह रहे हैं तो साफ झलकाता है कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो थक चुके हैं।
अब हमें समझना होगा कि नीतीश इतने बौखलाए क्यों हुए। इसका प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि खुद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उनके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और तथ्य बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सरकार चलाने में, गवर्नेंस में जितना जोर लगाएं ना लगाएं, मगर चुनावी रैलीज में कभी पीछे नहीं हटते हैं। वहां वो पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। और इस बार मैं अब आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो ये बतलाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप जो ये चौकोर चीज देख रहे हैं ना, इसे टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलीज में भाषण पढ़कर बोल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी रैलियों को संबोधित किया है, बगैर पढ़े उन्होंने अपनी बात कही है, मगर इस बार प्रधानमंत्री को रैलीज पढ़कर बोलनी पड़ रही है। आपने कहां देखा है भाई, चुनावी रैलीज में कौन इस तरह से टेलीप्रॉम्प्टर लगाकर जो है अपनी बात रखता है? और आपने प्रधानमंत्री के तीनों भाषण पर गौर किया होगा, नीतीश कुमार का नाम बहुत ज्यादा बार नहीं लिया उन्होंने। बार बार वो एनडीए की सरकार कह रहे थे, एनडीए की सरकार कह रहे थे। यही नहीं, अगर आप इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम पोस्टर्स पर निगाह डालें तो अधिकतर पोस्टर्स में आपको नीतीश कुमार गायब दिखेंगे। और ये इस बात की पृष्ठभूमि में कि गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावों के बाद अगर हम जीते तो नीतीश कुमार जो है वो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर अब आप ये बात पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी दरअसल तेजस्वी यादव से नहीं है या आम जनता से नहीं है, उनके अंदर की बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी से है। क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब यह लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें त्यागने वाली है, इस तरह से गिरा देगी। इसका अर्थ यह कतई नहीं कि महागठबंधन जीतने जा रहा है, नहीं, महागठबंधन के सामने कड़ी चुनौती है। यकीनन इस वक्त तेजस्वी के पीछे बिहार का युवा है, मगर जो 15 साल की लालू जी की विरासत है, जिसे अक्सर जंगल राज के साथ जोड़ के देखा जाता है, वो तेजस्वी का पीछा लगातार करते रहेंगे। और इसके अलावा ये भी, जैसे मैं आपको लगातार बताता हूं, तेजस्वी अकेले हैं। तेजस्वी वर्सेस नीतीश, तेजस्वी वर्सेस नरेंद्र मोदी, तेजस्वी वर्सेस द एंटायर बीजेपी मिनिस्ट्री, द बीजेपी गवर्नमेंट। इतना कठिन है तेजस्वी का मुकाबला। और जैसे मैंने कहा ना कि जंगल राज की विरासत, इसलिए आप अगर तेजस्वी के पोस्टर्स पर भी निगाह डालें तो इस बार उन पोस्टर्स पर लालू जी और राबड़ी देवी का साथ नहीं लिया गया है। इतनी अहम भागीदारी इनके चेहरे नहीं निभा रहे हैं जितना एक जमाने में निभाया करते थे। इस बार उनकी मौजूदगी कम है या ये कहा जाए न के बराबर है। क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी जो है आम जनता को ये नहीं जतलाना चाहते, ये याद नहीं दिलाना चाहते कि लालू जी का जो 15 साल का राज था बिहार में, उसमें जंगल राज एक बहुत बड़ा पहलू था। मगर अब एक बड़ा प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट भी अब धीरे धीरे सामने उभर कर आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा रिंकिया के पापा उर्फ मनोज तिवारी, उनका यह बयान। इसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता दिया। पहले आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं इसकी चर्चा करूंगा। अभी 2-3 महीना पहले, अभी एक पाप कैले बार कांग्रेस के लोग, और वो पाप कैले बार कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारण के बचावे के तो। माननीय मनोज तिवारी, सबसे पहले तो मैं आपको यह बतला दूं कि एम्स की रिपोर्ट ही नहीं, सीबीआई की रिपोर्ट भी यह बतला रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो आत्महत्या है, उसमें किसी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं है। एम्स की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर सामने उभर कर आ रहा है कि उन्हें जहर नहीं दिया गया है। सीबीआई ने जब उनके बैंक अकाउंट को खंगाला तो उसमें उन्होंने किसी भी तरह का कोई असामान्य चीज नहीं देखी।
तो जब आपकी अपनी सरकारी एजेंसीज हत्या की बात नहीं कर रहे हैं तो आप मनोज तिवारी कांग्रेस को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? और अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो मैं चाहूंगा कि बिहार की जनता के लिए, बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत के लिए, आपको उन कांग्रेसी नेताओं का पर्दाफाश करना चाहिए। चुनावी रैलीज में अनाप शनाप बकना एक अलग बात है भाई, मगर अगर आपके पास ऐसे प्रमाण हैं मनोज तिवारी, तो कम से कम उन चीजों को लेकर अपनी बात सामने तो रखें। अब सवाल यह किया जा रहा है कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा कि तेजस्वी आगे निकल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी जीत रहे हैं, मगर अगर आप इस वक्त तमाम रैलीज पर निगाह डालें तो तेजस्वी के रैलीज में जो जोश है वैसा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किसी भी नेता की रैलीज में नदारद है। मनोज तिवारी की रैली में लोग गए, मगर आप जानते हैं मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्म्स की रॉकस्टार सुपरस्टार रहे हैं। तो सवाल यह कि अब बीजेपी क्या करेगी? पहला काम तो वो कर चुकी है, नीतीश कुमार को वो त्याग चुके हैं बिल्कुल। तो एक बात तो ये है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश के भी चुनाव हुए थे आज से 3-3.5 साल पहले, उस वक्त भी आखिरी लम्हों में सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील बयान देना, और इसकी दो मिसालें मैं आपके सामने देना चाहूंगा। एक तो उत्तर प्रदेश के चुनावों में शमशान कब्रिस्तान का बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, और यही नहीं, जब झारखंड के चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि कपड़े देखकर आप पहचान सकते हैं कि नागरिकता बिल के खिलाफ कौन अभियान कर रहा है, कौन प्रदर्शन कर रहा है। तो उस वक्त भी चुनावों को हिंदू मुस्लिम करने की जो है एक बहुत ही चालाक रणनीति थी। बिहार में क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी? कर सकती है, क्योंकि मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि अश्विनी चौबे के जो सुपुत्र थे उन्होंने एक रैली निकाली थी और बिहार में एक अरसे बाद सांप्रदायिक तनाव हुआ था, यानी कि 1990 के वक्त भी, 90-91 के वक्त भी जब लालकृष्ण आडवाणी रामरथ यात्रा निकाली थी और जब उस वक्त के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उनकी रामरथ यात्रा को रोककर उन्हें गिरफ्तार किया था, तो उस वक्त भी सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ था, मगर अब बिहार बदल रहा है। इसलिए मेरे जहन में आशंका है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और रैली है, कल से फिर से वो रैलीज करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे हम पोलिंग के करीब जाएंगे भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से सांप्रदायिक बयान दे सकती है, जातीय तौर पर संवेदनशील बयान दे सकती है, क्योंकि बिहार के चुनाव जो हैं अब उसमें वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। तेजस्वी के अभियान में अब कहीं ज्यादा जोश दिखाई दे रहा है। मेरी बात लगातार वहां के विश्लेषकों से हो रही है दोस्तों, और वो मुझे लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है और कहीं ना कहीं वो राइटिंग ऑन द वॉल देख रही है, यानी कि उसे भी दिखाई दे रहा है कि क्या होने वाला है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उतनी ऊर्जा नहीं है, यही वजह है कि जितना जोर भारतीय जनता पार्टी अमूमन चुनावों में लगाती है बिहार में वो पूरी तरह से गायब है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसे लग रहा है कि तेजस्वी जीतने वाले हैं, दूसरा या तो अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त है, उसे लग रहा है कि भाई उसके जातीय समीकरण इतने मजबूत हैं कि तेजस्वी चाहे जितना भी जोर लगा लें जीत बीजेपी की ही होगी। खैर, यकीनन आज के जो इस कार्यक्रम का मकसद यही था कि देखिए चुनाव आएंगे चुनाव जाएंगे, सियासत होगी होती रहेगी, मगर ऐसे मौके पर हमें निजी हमलों से बचना चाहिए। जिस तरह का हमला नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के परिवार पर किया वो अप्रत्याशित है। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी जैसे संवेदनशील गंभीर शख्स को इससे बचना चाहिए था, क्योंकि आप जितना ज्यादा बौखलाएंगे, आप जितना ज्यादा इस तरह के बयान देंगे, इसका नुकसान आपको उतना ही होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।